हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अपडेट वन पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ अमेजिंग थ्रिलर मिस्ट्री मूवीज के बारे में जिन्हें शायद अभी तक आपने नहीं देखा हो। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज हैं आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में, और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10, द बॉडी। मूवी रिलीज की गई थी 2012 में और मूवी बेस्ड है थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक हस्बैंड से जो कि अपनी वाइफ का मर्डर कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी गर्लफ्रेंड मॉर्ग से गायब हो जाती है और अचानक से ही उनकी मरी हुई वाइफ का उनको एक कॉल आता है। असल में ये कॉल कौन कर रहा होता है और इसके पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, कंप्लीट मूवी में इसी को सॉल्व करने की कोशिश की गई है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 9, द स्किन आई लिव इन। मूवी रिलीज की गई थी 2011 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है डॉक्टर रॉबर्ट से, जिनकी वाइफ एक ऑटो एक्सीडेंट में पूरी तरह से जल जाती है और उन्हें ही वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो उनकी प्लास्टिक सर्जरी करके उन्हें फिर से खूबसूरत बनाना चाहते हैं। मूवी में क्या लास्ट तक वो अपने इस मकसद में कामयाब हो पाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, और अपनी वाइफ को वापस सुंदर बनाने के लिए वो कौन कौन से क्राइम करते हैं, इस मूवी में बड़ी अच्छी तरह से दिखाई गई है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। नंबर 8, किलर मैन। मूवी रिलीज की गई थी 2019 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है मियो डायमंड से, जो कि एक मनी लॉन्डर रहते हैं और वो कुछ पैसे भी चुराते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो बहुत सारे कैश और ड्रग चुरा के रख देते हैं, लेकिन अचानक से ही उनकी मेमोरी लूज हो जाती है और सभी गैंगस्टर उनके पीछे पड़ जाते हैं कि असल में वो मनी और वो ड्रग्स उन्होंने कहाँ छुपाए रखा है। इसी मिस्ट्री को कम्प्लीट मूवी में सॉल्व करने की कोशिश की गई है कि क्या लास्ट तक मियो डायमंड की मेमोरी फिर से वापस आती है या फिर नहीं आती है, और उनके मेमोरी लॉस के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, यह भी इस मूवी में देखने लायक है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.5। नंबर 7, डोंट लेट गो। मूवी रिलीज की गई थी 2019 में और मूवी बेस्ड है सुपर नेचुरल थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है डिटेक्टिव जैक रेडक्लिफ से, जिनके पार्टनर की अचानक से हत्या हो जाती है, लेकिन कुछ दिन के बाद उनके पार्टनर की फिर से एक कॉल आती है उनके मोबाइल में। डिटेक्टिव जैक उस कॉल की मिस्ट्री को कम्प्लीट मूवी में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मूवी में क्या लास्ट तक डिटेक्टिव जैक उस कॉल की मिस्ट्री को सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं, और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6। नंबर 6, मिडसमर। मूवी रिलीज की गई थी 2019 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कपल से, जो कि एक रूरल होम टाउन में पहुंचते हैं और वहां पे वो मन की शांति के लिए एक कैंप को ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें कैंप के मिस्ट्री के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इवन वो उस कैंप को छोड़ के आना भी जाते हैं। मूवी में क्या लास्ट तक वो दोनों कपल्स उस कैंप को छोड़ के निकल आ पाते हैं या फिर नहीं निकल पाते हैं, और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 5, द वैनिशिंग। मूवी रिलीज की गई थी 2018 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है 3 लाइट हाउस कीपर से, जिन्हें अचानक से ही एक चेस्ट मिलता है और उस चेस्ट में कुछ गोल्ड पाया जाता है। मूवी में उस गोल्ड को वो किस तरह सर्वाइव करके छिपाए रखते हैं या फिर नहीं रख पाते हैं, इसी के ऊपर बेस करके ये कम्प्लीट मूवी बनी है। इवन उन तीनों के बीच कुछ ईर्ष्या भी आ जाती है उस गोल्ड को लेकर, और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। नंबर 4, रेडी और नॉट। मूवी रिलीज की गई थी 2019 में और मूवी बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है ग्रेसी से, जो कि नई नई शादी करके अपनी फैमिली को ज्वाइन करती है, लेकिन उन फैमिली मेंबर्स की एक शर्त रहती है कि उन्हें एक गेम खेलना पड़ेगा। एक्चुअल में वो गेम एक हाइड एंड सीक गेम रहती है, लेकिन बाद में वो गेम एक डेडलीस्ट गेम में कन्वर्ट हो जाती है। इवन लास्ट तक क्या ग्रेसी अपने आप को उन फैमिली मेंबर्स से सर्वाइव करवा पाती है या फिर नहीं करवा पाती है, इसी को बेस करके ये कंप्लीट मूवी बनी है। मूवी एक्शन और थ्रिलर से भरी पड़ी है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7। नंबर 3, एड एस्टेरा। मूवी रिलीज की गई थी 2019 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है मैक ब्राइड से, जिनके पिताजी एक फेयरलेस एस्ट्रोनॉट रहते हैं और वो एक मिशन में भेजे जाते हैं, लेकिन अचानक से ही उनकी स्पेसशिप स्पेस में खो जाती है और उन्हें ही खोजने के लिए उनके बेटे 30 साल के बाद फिर से स्पेस में जाते हैं। मूवी में क्या लास्ट तक वो अपने पिताजी को खोज के निकाल पाते हैं या फिर नहीं निकाल पाते हैं, और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 7।
नंबर टू परफेक्ट स्ट्रेंजर मूवी रिलीज की गई थी 2007 में और मूवी बेस्ड है ड्रामा एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक जर्नलिस्ट से जो कि अंडरकवर रहती है और वो अपने फ्रेंड के एक अफेयर के बारे में पता लगाना चाहती है। मूवी में क्या लास्ट तक वो अपने फ्रेंड के अफेयर के बारे में पता लगा पाती है या फिर नहीं लगा पाती है, इवन उसके जो बॉयफ्रेंड रहते हैं उसके पीछे क्या मिस्ट्री छुपी हुई रहती है, ये भी इस मूवी में देखने लायक है। और इस मूवी का IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.7। और लास्ट और नंबर वन पर हम बात करेंगे सीक्रेट विंडो। मूवी रिलीज की गई थी 2004 में और मूवी बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक राइटर से जो कि अपने आप को हमेशा से ही बंद कमरे में रखने की कोशिश करते हैं और वो हमेशा से ही कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। सभी उनको साइकोपैथिक समझते हैं लेकिन बाद में जब उनकी मिस्ट्री के बारे में सभी को पता चलती है तो सभी हैरान हो जाते हैं। मूवी मिस्ट्री और थ्रिलर एक्टिविटी से भरी पड़ी है, प्लस इसकी स्टोरी लाइन भी वन ऑफ द बेस्ट है और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.6। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट हमसे जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।